देखिए मकर राशि तो अगर मगर किए बगैर चलते रहते हैं, उनका क्या है 10 नंबर है, 10 on 10 चाहिए। और भारतीय ज्योतिष में 10th house जो है वो मकर राशि है, और 10th house को कहते हैं जेनिथ। बोलते हैं ऐसे लोगों को हमेशा कहा जाता है कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट, मतलब दे वांट टू रियली यू नो एक्सप्लोर एंड डू समथिंग बिग इन लाइफ। और जैसे मैं आपको याद दिला दूँ फिर से सबको कि मैं सन साइन नहीं मून साइन की बात कर रहा हूँ, जो भारतीय ज्योतिष चंद्र बेस है, सूर्य वाली जो सन साइन है, लिंडा गुडमैन पढ़ के जो कि मार्च अप्रैल में पैदा हुआ मैं एरीज हूँ, वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो मकर राशि के, और बहुत कम लोग सबको नहीं पता उनकी खुद की राशि क्या है, तो देख लीजिए कुंडली उठा के, जहाँ आपका चंद्रमा है वही आपकी राशि है। और ये मैं आपको बता दूँ, जब मैंने कहा कि 10 on 10 चाहिए और इनको सब कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, तो सबसे बड़े जो दो सितारे हैं दोनों की मकर राशि है, एक का नाम है शाहरुख खान, एक का नाम है सलमान खान, दोनों की मकर राशि है। कई लोग सोच रहे होंगे उनकी मकर नहीं है क्योंकि उनको सन साइन पता है, मैं उनके मून साइन बता रहा हूँ, दोनों की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप मैंने देखी हुई है। तो मकर राशि शाहरुख खान और सलमान खान की है, एंड दैट इज़ द रीज़न उनका सोच, मैं हमेशा, आप इतने सालों से आप शो कर रही हैं साथ में, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ ड्रीम्स, तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी। तो मकर राशि दे ऑलवेज आर ड्रीमर्स एंड दे रियली वॉन्ट टू अचीव, दैट इज़ द रीज़न हर कोई घर से निकल के शाहरुख खान या हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी शाहरुख बन जाऊँ, ऐसा नहीं है। तो पहले ड्रीम होना चाहिए, फिर उसके लिए एफर्ट होना चाहिए। और मैंने क्या कहा, ये 2024 नंबर 8 शनि का है, मकर राशि का है। तो मकर राशि यानी शनि मतलब मेहनत, कोशिश, एफर्ट, वो मकर राशि उस पर बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी। और ये साल उनको ये गेंद मिलने वाले हैं क्योंकि शनि अपनी खुद की कुंभ राशि में चल रहा है, दैट विल बी अ सपोर्टिंग थिंग। हर 27.5 साल बाद शनि मकर में फिर कुंभ में आता है, ये 5 साल का टाइम है जब सैटर्न बिकम कम्फर्टेबल। जब आप कहीं भी कितना भी ट्रैवल करके आ जाएं, बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में आप रह के आ जाएं, सबसे ज़्यादा सुकून आपको कहाँ मिलता है? अच्छा मुझे लगा शूट कहेंगे आप, तो बिल्कुल घर में। तो जब कोई प्लैनेट अपने खुद के घर में आता है तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, सैटर्न उनका खुद का रूलर कंफर्ट जोन में है, तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम। जितने मकर राशि के लोग हैं जो अपना खुद का घर मकान, तो हमने चर्चा की थी एक बार, घर बनाना चाहते हैं, टाइम चल रहा है, दे माइट बाय ए प्रॉपर्टी इन 2024। देखिए एक शनि का एक टेंडेंसी है, वो है शनिचर मतलब स्लो, धीरे धीरे, तो वहाँ पे पेशेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इंपेशेंट हुए तो फिर आप रिएक्ट कर गए, रिएक्ट कर गए तो रिश्ते बिगड़ गए, तो ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओनली वन आई थिंक एरिया है, अगर मैं कुछ नेगेटिव ढूंढने की कोशिश भी करूँ मकर राशि के लिए 2024 में, मैं कहूँगा कि तसल्ली रखिए। तो जितना आप पेशेंस रख के चलेंगे उतना इट इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू।